असला स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर फाइन टू डे वी विल डिस्कस अन सब टॉपिक चैप्टर इॉटर एंड वेदर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द डेफिशन ऑफ वैदर द डे टू डे कंडीशन ऑफ इयर एट एनी प्लेस इज कॉल्ड वेदर जो भी कंडीशन मतलब वट इज़ कंडीशन आउटसाइड वट टाइप ऑफ दिस वेदर और से वट टाइप ऑफ कंडीशन इज आउटसाइड कौन सी कंडीशन है हवा की बाहर चाहे धूप है या बारिश है या कुछ और है ओके okay? तो उसको हम वेदर बोलते हैं ठीक है एंड साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेदर वो साइंस जिससे मतलब जिसमें हम वेदर के बारे में पढ़ते हैं उसको हम मिटी मिटीरियोलॉजी बोलते हैं ठीक है एंड इज स्टडी अबाउट द वेदर दे आर कॉल्ड मेटी मेटी ओके सो देर इज नाउ क्लाइमेट क्लाइमेट एंड वैदर दे आर टू डिफरेंट थिंग्स ये दो अलग अलग चीजें हैं क्लाइमेट जो होता है इट्स द एवरेज वैदर पैटर्न ऑफ ए प्लेस ओवर मनी ईयर्स क्लाइमेट जो है ये एवरेज वैदर है एवरेज वेदर मीन्स मतलब किसी जगह कैसा आब हवा होता है जैसे हम कश्मीर में रहते हैं देयर इज मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है यहाँ पे मतलब ज्यादा सर्दी भी नहीं होती और ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है ठीक है दैट्स कॉल्ड क्लाइमेट वो यहां पे हमेशा से मतलब फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओके बट द वेदर इट चेंज फ्रॉम डे टू डे ये एक दिन धूप होगी दूसरे दिन बारिश होगी तीसरे दिन सिर्फ ये विंड होगा तो ये वेदर जो है इट चेंज फ्रॉम डे टू डे बट क्लाइमेट डज नॉट चेंज क्लाइमेट चेंज बट इट टेक्स हंड्रेड ऑफ क्लाइमेट चेंज होता है लेकिन इसको बहुत साल लग जाते हजारों साल लग जाते हैं ठीक है द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेदर ऑफ ए प्लेस आर सन वेन क्लाउड ईयर एंड वाटर वेपर वो फैक्टर्स जो कि वेदर एक जगह पे कैसा वैदर है उ, उनमें से मतलब वो फैक्टर्स कौन कौन है इफेक्ट कौन कौन करता है वैदर किसी प्लेस का एक तो सन दूसरा विंड क्लाउड्स ईयर और वाटर वेपर जो वैदर होता है इट आल्सो इफेक्ट्स आवर क्लोदिंग एंड ईटिंग हैबिट्स वैदर की वजह से हमारी क्लोदिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है और ईटिंग हैबिट्स पे भी असर पड़ता है जैसे कि अगर ज़्यादा सर्दी होगी ज़्यादा मतलब ये बारिश होगी तो हम कुछ न कुछ ज़्यादा कपड़े लगाएंगे ठीक है तो या अगर ज़्यादा धूप होगी तो हम कॉटन कपड़े पहनते जिससे हम सर्द रहते हैं ठीक है ईटिंग हैबिट्स में भी हम हमें अफेक्ट होता है वेदर की वजह से हम डिफरेंट जैसे कि बारिश में हम अलग चीजें खाते या समर में समर में जब ज्यादा धूप जब होती है तो हम क्या करते हैं वी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर हम क्या करते हैं हम बहुत सारा पानी पीते हैं जूस पीते हैं ठीक है नाउ इज द वैदर फॉलोइंग आर द वैदर स्टेट्स ऑफ डिफरेंट इन डिफरेंट कंडीशन जैसे सनी डे होता है सनी डे में क्या होता है द सन शाइन्स ब्राइटली और सनी डेज जब धूप होती है तो उन दिनों सन क्या ब्राइटली शाइन होता है और डेज जो होते हैं वो हॉट और ब्राइट होते हैं ठीक है ठीके? और सनी डेज में क्या होता है वही स्टे इनडोर्स हम ज्यादातर अंदर ही रहते हैं क्योंकि बाहर गर्मी होती है उससे बचने के लिए हम अंदर ही रहते हैं और जब घर में अंदर बैठते हैं तो वहां पे फैंस लगाते हैं एसी लगाते हैं और तो और हम कॉटन क्लोथ्स लगाते हैं जिससे हम कूल cool रहते हैं एंड वी ड्रिंक फ्रेश जूसेस वी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड ऑल्सो वी लाइक टू स्विम हम स्विम पसंद करते हैं स्विमिंग पसंद करते हैं सनी डेज में ठीक है उसके बाद है विंडी डे मोइंग इज कार्ड विंड जो हवा चलती है ना उसको हम विंड बोलते हैं ठीक है जेंटल विंड इज ब्रीज जो धीरे धीरे हवा चलती है उसको हम ब्रीज बोलते हैं एंड वी लाइक टू गो फॉर पिकनिक पिकनिकेज विंडी डेज विंडी डेज में हम क्या पिकनिक जाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ना ज्यादा धूप होती है और ना ज्यादा सर्दी होती है तो मौसम अच्छा होता है तो हमें मजा आता है बाहर ठीक है और जो स्ट्रांग विंड्स मतलब जो तेजी से विंड उठती है उसको हम स्टॉम बोलते हैं एंड दैट स्टॉम काज डिस्ट्रक्शन ये बहुत ज़्यादा तबाही करता है स्टॉम दरख्त उखाड़ता है या घरों के वो रूप्स उठ, उठ उठा देता है स्टॉम की वजह से जिससे मतलब स्टॉम से कभी कभी बारिश भी आ जाती है ठीक है उसके बाद है क्लाउडी डे क्लाउडी डे में क्या होता है स्काई जो होता है वो हमेशा क्लाउड से कवर्ड होता है और सन हमेशा क्लाउड्स के पीछे होता है इन दोनों क्या होता है तो ये ज्यादा मतलब क्लाउडी डेज जो होते हैं वो कूलर होते हैं ब्राइट डेज से सनी डेज से वो कूलर होते हैं ठीक है देन इज द वेदर ऑफ अ प्लेन वेन द वेदर ऑफ अ प्लेस रिमींस ऑलमोस्ट सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम उसको हम सीजन बोलते हैं। जब किसी जगह वेदर एक ही जगह पे मतलब बहुत दिनों तक बहुत महीनों तक सेम रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं सीजन ठीक है जैसे समर मॉनसून विंटर ऑटम स्प्रिंग ये सारे जो है ये मेन सीजन ऑफ इंडिया है पहले हम स्प्रिंग की बात करेंगे क्योंकि स्प्रिंग ही पहला सीज़न है स्प्रिंग सीजन में क्या होता है इसमें फ्लावर्स ब्लूम होते हैं हर तरफ ग्रीनरी होती है है ना और तो और हर आ, मतलब आ, इन पे दरख्तों पे पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के तो हर जगह बहुत ही मज़ा आता है ठीक है और तो और ना ज़्यादा गर्मी होती और हो, ना ज़्यादा सर्दी होती है बहुत अच्छे दिन होते हैं ये कब होता है मार्च अप्रैल दिस इज स्प्रिंग सीजन है ना उसके बाद समर सीजन आता है समर सीजन में क्या होता है डेज आर वेरी हॉट एंड सनी और तो और इस हीट uh, की वजह से क्या होता है वाटर बॉडी जो होती है वो ड्राई अप हो जाती पानी कम हो जाता है किसमें समर सीजन में और ये समर सीजन जो है इट इज़ हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर ये हॉटेस्ट सीजन है ये किस महीने में होता है जून जुलाई है ना उसके बाद है मॉनसून मॉनसून जो होते हैं इसकी वजह से रेन आता है मतलब बारिश लाते हैं मानसून जिससे रिवर्स लेक्स समर की वजह से ये ड्राई अप हो गए होते हैं तो ये भर जाते हैं आल्सो दे प्रोवाइड वाटर टू क्रॉप्स इसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं ठीक है ये कब होता है अगस्त सितंबर में मानसून होते हैं ठीक है उसके बाद है अटम अटम जो होता है जब प्लांट्स लीव्स छोड़ देते हैं जब व्हेन प्लांट्स एंड ट्रीज स्टार्ट शेडिंग देयर लीव्स दैट्स कॉल्ड अटम सीजन और इन दिनों हम क्या करते हैं ये इन दिनों न ज्यादा सर्दी होती है और न ज्यादा गर्मी होती है हमारे क्रॉप्स होते हैं हम उनको काटते हैं जैसे पैडी प्लांट्स होते हैं ठीक है ठीके? तो ये कब होता है किन मंथ्स में अक्टूबर नवंबर इज इन इज विंटर विंटर इज़ द कोल्डेस्ट सीजन कोल्डेस्ट सीजन जो भी मतलब साल का सबसे सरद तरीन सीजन uh, जो है दैट इज विंटर एंड वी वी वूलन क्लोथ्स इन विंटर है ना और इंडिया के कुछ हिस्सों में स्नोफॉल भी होता है विंटर में जैसे कश्मीर में शिमला में ठीक है तो विंटर में ज़्यादातर हम अंदर ही रहते हैं तो किससे सर्दी से, से बचने के लिए और हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे हीटर रूम हीटर इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ कश्मीर में कांगरी इस्तेमाल करते हैं और तो और हम जैकेट्स लगाते हैं वूलन क्लोथ्स लगा फेरन लगाते हैं विंटर से बचने के लिए ठीक है तो ये किन महीने में विंटर होता है डिसम्बर जनवरी फैब है ना सो दिस वॉज अबाउट द वेदर होप यू गॉट इट फी अमान टेक केयर